हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और आज हम आए हैं कैम्ब्रिज के स्मॉल टाउन गल्फ में घूमने के लिए। तो ये जो ब्रिज के पास का एरिया है, हम यहाँ से, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि छोटी सी क्लिपिंग बना ली जाए। एक्चुअली हम सोच के नहीं आए थे कि वीडियो बनाएंगे आज, और इसलिए माइक भी नहीं लाए, तो हो सकता है हर जगह मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए। तो चलिए, अब जहाँ से भी हमने, मतलब आधा टाउन तो कवर ही कर लिया था, देख लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं। बहुत अच्छा है, मतलब वो डैम है। तो बेसिकली ये टाउन यूरोपियन स्टाइल से बना हुआ है। तो जो भी चीज़ें हमने इस डैम के बाद देखी है वो बहुत ही सुंदर हैं वो भी। तो चलिए अब वो सब हम देखते हैं, मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो बाकी सारा टाउन जो है या स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सुंदर चर्च हैं, वो सब हमने जो कवर कर लिया है वो हम, मैं कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी और उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड बाइकर्स भी सनी डे के मज़े ले रहे हैं। तो ये जो अभी पानी देख रहे हैं आप, तब इसके पास भी हम चलेंगे नीचे, ओके। और बाकी थोड़ा सा यहाँ का एरिया भी देख लीजिए हल्का सा, ये देखिए, ये देखिए कितनी प्यारी क्लॉक है, बज रहे हैं अभी 3:10 और हम लोग घूम रहे हैं। बहुत अच्छी धूप है, मज़ा आ रहा है पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में। मेरी छोटा सा यूरोपियन टाउन है ये, डाउनटाउन वहाँ आए हैं, और अभी जो रिवर देखे थे उसके पास जाने की कोशिश है, यहाँ से रास्ता है। तो ये देखिए उधर से भी आने का रास्ता है, और ये देखिए हम पानी के पास आ गए। वाह, चलते हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ। ये आ गए पानी के पास, ये देखिए, वाह, ओह, फिशिंग कर रहे हैं अंकल जी। उस ब्रिज के पास थे हम, बहुत ही ब्राउन ब्राउन पानी है। तो जो नीचे फिशिंग कर रहे थे ना अंकल जी, हम उनके पास चलते हैं, पानी के पास नीचे चलते हैं, देखते हैं कैसा है रास्ता। यहाँ से भी तो दिख रही है, पत्थर भी है पूरे, है ना, साइड साइड में पत्थर हैं। थोड़ा सा ऐसे पूरा ब्राउन ब्राउन टाइप का पानी है ना, थोड़ा सा ब्राउन जैसा, लेकिन मस्त जगह है ये। अच्छा, छोटा सा डाउनटाउन, छोटा सा यूरोपियन डाउनटाउन, मस्त है। छोटी छोटी क्लिपिंग बनाऊंगी मैं और भी डालूंगी। तो फिशिंग वाले अंकल जी से थोड़ी बातें कर रहे हैं, वो यहाँ के लोकल ही हैं। चलो वापस ऊपर चलते हैं, छोटी छोटी जगह है देखेंगे यहाँ की। और थोड़ा पास जा सकते हैं शायद, है ना, यहाँ की डरती नहीं है मुझे लगता है, यहाँ पे पत्थर पत्थर नहीं मारती ना दुनिया। खाने में बिजी है, नहीं खाने को नहीं आते नहीं। हाँ, ब्रेड व्रेड होती ना हमारे पास, तो पक्का आती हो। कनाडा का गूस है, डर रही है। देखो क्लॉक टावर मस्त है। और वहाँ पे कोई तो डैम जैसा बना है, मस्त पानी बहुत मस्त गिर रहा है वहाँ से। अब वहाँ जाने के लिए किधर से जाना है देखना पड़ेगा,
पुल दिख रहा है, पुल से गाड़ियाँ जा रही हैं, शायद उस साइड से भी दिखेगा या यहाँ से दिखेगा, देखते हैं। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा आगे चल के देखना पड़ेगा। इधर से भी आने का रास्ता है, ऊपर से भी आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर टाउन है, छोटा सा डाउन टाउन है। ये देखिए, वाओ, जाली से भी दिख रहा है नीचे से पानी, शायद ब्रिज के नीचे, और वहाँ जाके देखेंगे थोड़ा और पास। ये देखिए, आराम से यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं, और ये स्टोन स्ट्रक्चर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा बनाया है। इस तरह से बना है, उस यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये नीचे ऐसे सीढ़ियाँ जैसे बनी हुई हैं, चैन से यहाँ बैठ भी सकते हैं। वाओ, वो इतना मज़ा आ रही है ना देख के, बस ऐसी जगह ये, यहाँ पे समोसे लेके आ जाओ और चैन से बैठ के खाओ और मज़े करो। ये देखिए, रोड क्रॉस करने के लिए खड़े थे तो एक गोल्डन कलर की कार दिख गई। कौन सी है? चलिए आगे देखते हैं, हम पास चल के देखते हैं। यहाँ से आ रहा है पानी, बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है। वापस ऊपर चलते हैं। बहुत ही सुंदर है, कैसे ऊपर से ऐसे दिख रहा है, और ये बीच से सड़क जा रही है। ये देखिए, ये सड़क जा रही है, और इस हमको अदर साइड जाके देखेंगे ब्रिज, ब्रिज को उस तरफ से देखेंगे, वहाँ से गिर रहा है पानी। अभी रोड क्रॉस कर लिया हमने, रोड क्रॉस करते हुए देखिए उधर से आए हैं, वहाँ से आए हैं रोड क्रॉस करके, अब इस साइड से देखेंगे ब्रिज के। कैसा दिखता है, ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाओ, सुपर, बहुत ही सही दिख रहा है पूरा डैम, उधर से पानी आ रहा है बहुत दूर से। पता नहीं इस रिवर का नाम क्या है, देखो इस तरह से वहाँ थे हम, उधर नीचे पे थे, वहाँ पे उधर ऐसे उधर नीचे में थे, वहाँ से हमने ऐसे रोड क्रॉस किया और इधर आए। पास से देखने का मजा ही आ रहा है, और यहाँ से पानी कितना फोर्स से आ रहा है, वही मैं भी बोल रही थी। और दूर से ना डक्स भी तैर रही है अभी, और ऊपर शायद रेस्टोरेंट है मुझे लग रहा है, ये देखो अंदर यहाँ रेस्टोरेंट है, लोग बैठे भी हैं, और लोग के साथ भोजन की तरफ उठाएंगे। और कैम्ब्रिज मिल लिखा है वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो ये टर्बाइन वाटर व्हील ही है, स्ट्रक्चर यहाँ पे रख दिया है, शायद ये वाला यूज़ नहीं होता होगा पार्ट। अब हम ब्रिज के उस साइड से देख रहे थे, अब हम यहाँ आ गए,
जो शांत एरिया था। यहाँ से देखते हैं, वाह ब्रिज के पास जाने की अगस्ता स्ट्रीट आगे जाके एंड हो जाएगी ट्रेल। ये जगह क्या नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा। गार्ट ओके। गार्ट सिटी है ये, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज टाउन है, उसके अंदर छोटा सा शहर है। और वो यूरोपियन बिल्डिंग थी ना, सारी चर्च और सारे उस पैटर्न के बने हैं ना यहाँ पे। यूरोपियन काइंड ऑफ। बहुत शांत है ना, शांत जगह है। ट्रेन जाती होगी क्या, पता नहीं। तो रहा देखो, वहाँ पे भी वैसे ही एक बिल्डिंग बनी है, मतलब वो चर्च काइंड ऑफ बिल्डिंग बनी है, वो भी है ना, मतलब चारों ओर इस तरह की बिल्डिंग्स हैं। वो फीगल्स तैर रहे हैं। हाँ, मैं इन्हीं को बतख बोल रही थी दूर से। पानी मस्त है। हाँ इतनी सारी चेयर्स हैं, ये हॉल टाइप का ये कुछ है ना, चैपल है ना शादी। ओके चैपल, वाओ कितना सुंदर। देखिए चार पांच कारें हैं, ये इतने स्पीडली एकदम ड्राइव करते हुए आए थे। शॉप दिख रही है, लेयर्स ऑफ जॉय। चलिए वहाँ चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। और ये देखिए इस बोर्ड में इतनी वैरायटीज ऑफ शॉर्ट्स हैं, केक्स हैं, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं हम क्या लेंगे। ये देखिए नाइस कोट। चलिए यहाँ पे हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा फ्लेवर लेना चाहिए, वो और भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एक ये ठंडा ही शॉट है और एक ये पान का लिया है, तो उसमें केक की लेयर है और आइसिंग है, ऐसे कुछ है बीच में। टेस्ट करके देखते हैं, पान टेस्ट करेंगे हम। ऐसे केक की लेयर है और फिर क्रीम है, पान की पान में जो, और हाँ ये पान की कतरी भी है। हाँ वही सब। मस्त है, मीठा भी अच्छा कम है, ऐसा लग रहा है सब में पान खा रहे हैं। केक के अंदर भी पान का वो आ रहा है, टेस्ट आ रहा है बहुत अच्छा। इतना सब खाने के बाद अभी पान खाना बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त टेस्ट है, मस्त हल्का एकदम। ये ठंडे, हम ठंडे भी टेस्ट करेंगे। चम्मच कहाँ गया, ये ठंडाई। ड्राई फ्रूट्स का और ठंडाई का फ्लेवर है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, मस्त है, बहुत अच्छा। चलो खाते हैं फिर बात करते हैं। और ये देखिए ये असली तोप है, गिफ्ट में दी गई थी। ये देखिए कुछ प्लेसेस में आर्ट वर्क भी बनाए हैं, बहुत ही सुंदर। और मेरे ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए कि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेरे वीडियोस लेट ज़रूर होते हैं पर मैं डालती रहूँगी, ज़रूर डालती रहूँगी, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।